How do you do? I'm writing you a letter. I hope it reaches you. I know it's been a long time since you heard. गाइज वेलकम टू माय ब्लॉग चैनल। आज के प्लान्स रहेंगे चिचम ब्रिज घूम के आऊंगा, किब्बर वैली जहाँ पे स्नो लेपर्ड एक्टिविटीज होती है वहाँ जाऊंगा और खाजा की मार्केट एक्सप्लोर करेंगे। वैसे तो मेरे साथ के लोग कुछ लोग जा रहे हैं मनाली की तरफ भाई, काजा टू मनाली, बट अपने तो यार ये सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे उसके बाद ही जाएंगे। कॉफी ले रहा हूँ मैं इस खूबसूरत से व्यू के साथ, चाय और परोंठा। अभी हम ब्रेकफास्ट करके निकलेंगे। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, अभी थोड़ा रेडी हुए हैं, टाइम हो गए हैं, करीब 12 बज चुके हैं और आज कोई ज्यादा जगह हम एक्सप्लोर नहीं करेंगे, बस दो ही है जो मेन प्लेस है यहाँ के। एक तो चिचम ब्रिज है जो हमारा कल छूट गया था, एक किब्बर वैली। आज हम और रुक रहे हैं और कल हमारा काफी टफ रास्ता रहेगा काजा टू मनाली वाला। ये है स्पीति का प्रॉपर मैप, ये अपनी थार खड़ी है और अब इसको करते हैं स्टार्ट। पहले क्रैंक में होती है भी है या नहीं, कल टेम्परेचर और भी लो था, पहले इसको आराम से ऑन होने देना चाहिए, थोड़ा मूवमेंट लेके फिर। ओहो हो हो हो, हल्का 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 दिक्कत आई है भाई, 5 मिनट स्टार्ट रखते हैं इसको, उसके बाद लेके चलेंगे। गाड़ी को स्टार्ट रखा है और ये लोग भी रखा करो, मैं पेट्रोल को भी 2-4 मिनट स्टार्ट रखा करो कम से कम मॉर्निंग टाइम में, इससे क्या इंजन पे ज्यादा प्रेशर नहीं आता है। अच्छी सी जगह चूज करेंगे और वहां चल के आपको रूफ टॉप टेंट भी खोल के बताएंगे, उसका मैं एक सेपरेट व्लॉग डालूंगा। जगह बढ़िया लग रही है, जो बाइक चलाता ना उसको एक टाइम पे यहाँ पे इसी जगह पे आके थोड़ा फील होता है, मैं एज एन बाइकर ये महसूस कर सकता हूँ। बाकी गाड़ी में बैठ कर आपको इतना डर नहीं लगता है, थार जैसी गाड़ी में बैठ के नेक्स्ट लेवल ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। और ये यहाँ पे लेफ्ट साइड में, चलिए जी क्या हुआ, मैं कह रहा हूँ चलिए जी आगे निकल जाए, कितना प्यार से बोला भाई, गुस्सा क्यों दिखा रहे हो यार भाई, क्यों गुस्सा कर रहे हो यार, हम तो मेहमान है आपके एरिया में यार, कैसे बात कर रहे हो आप वीडियो में आ रहे हो यार, आप वीडियो में आ रहे हो कैसे बोल रहे हो आप। ये कुछ लोकल ऐसे होते हैं आराम से उसकी गाड़ी निकल सकती थी, लेकिन जबरदस्ती अगले वाले को ना मतलब ऐसे फील कराना, हम तो बड़े प्यार से बोले लेकिन सामने वाला बाप देख लो लोकल का बिहेवियर, बहुत सारी जगहों पे ये चीजें देखने को मिल जाती है। पहुंच गए हैं किब्बर विलेज के अंदर, आप देख सकते हैं बड़ा ही खूबसूरत सा विलेज है। अगर आपको स्नो लेपर्ड एक्टिविटी देखनी है तो आपको किब्बर में आना पड़ेगा, विंटर टाइम में आए जब यहाँ पे बर्फ होगी तो ज्यादा आपको देखने के चांसेस रहेंगे, और यहाँ किब्बर में आप होम स्टे में रुक सकते हो। गाँव बड़ा सुंदर है, देख सकते हो बड़ा ही सुंदर विलेज है। हमें ना किब्बर में देखो क्या मिला, ये गदर मूवी वाला नलका मिला है भाई, इससे तो पानी आएगा ही नहीं। तो ये है किब्बर ग्राम पंचायत जिसमें कई सारे विलेज आते हैं, जैसे की आ गया और भी कई सारे हैं, यहाँ की जनसंख्या आप देख सकते हो बहुत कम है। सामने का पहाड़ है, इस पे ही एक्टिविटी देखने को मिलती है, लेकिन अभी नहीं मिलेगी। अगर यहाँ कोई लेपर्ड घूम भी रहा होगा ना तो हमें तो पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि जिस तरीके के पहाड़ का कलर है वो बिल्कुल भी पता नहीं लगेगा। इसके लिए यार प्रॉपर आपको कैमरा, जूम वाला कैमरा हो या दूरबीन टाइप चीजें हो, टेलीस्कोप वगैरह ऐसी चीजों की नीड रहती है। अपना मॉन्स्टर देखो यहाँ पे पहुंचा हुआ है इस वैली के पास में, बहुत ही सुंदर लग रहा है। ये है चिचम ब्रिज जो कि वर्ल्ड हाईएस्ट ब्रिज है, काफी बड़ा ब्रिज है ये, और यहाँ पे फोटोशूट वगैरह चलता ही रहता है। और पीछे की साइड में था किब्बर और ऊपर चल के विलेज है चिचम। नीचे की साइड में मैं अगर आपको दिखाऊं, नीचे की साइड में जाके रिवर देखने को मिलती है, और ये जो आप देख रहे हो यहाँ लेपर्ड आता रहता है ऐसी जगह पे, बहुत ही खूबसूरत जगह है। Hello, Liza. How do you do? I'm writing you a letter. I hope it reaches you. I know it's been a long time
heard from me. I'm still kicking around here in Tennessee. Spiti the cold desert. और ये है छिछम ब्रिज। यहाँ से कितना खूबसूरत व्यू देखने को मिल रहा है हमें छिछम ब्रिज का। हमने चाय पी ली है, अभी यहाँ से निकलते हैं, आगे की जर्नी करते हैं। आगे चल के अब गाड़ी रोकेंगे कोई बढ़िया सी जगह देख के, वहाँ थोड़ा बहुत शूट करना है, एक वीडियो बनाना है स्पेशली। पे रूफटॉप टेंट लग चुका है और इस खूबसूरत से व्यू के साथ आप देख सकते हैं कितना शानदार व्यू है भाई, अल्टीमेट। और ये ऊपर है की मोनेस्ट्री, काजा के पास है हम, की विलेज के पास में। और यहाँ ज्यादा कुछ नहीं करेंगे क्योंकि ठंडी बहुत ज्यादा रहती है रात में, तो वहाँ हमारी चाय बन रही है। यहाँ बस चाय पीने का प्लान है, चाय पियेंगे, कुछ खाना होगा तो खा लेंगे, उसके बाद निकलेंगे वापस काजा के लिए। गाड़ी खड़ी है, बहुत ही बढ़िया व्यू आ रहा है यार रूफ टॉप कैंपिंग के साथ में, लेकिन अभी टेम्परेचर -15 हो गया है। ये हमारा रूफ टॉप टेंट है, इसके अंदर जाने से पहले शूज आप इनमें भी डाल सकते हो, लेकिन हम तो बस 2 मिनट का आपको सेटअप दिखाने वाले हैं, तो मैंने शूज नीचे रिमूव कर दिए। और ये इसकी ऊपर की लेयर है, ये सबसे पहले ये हटाते हैं, इसके बाद में ये इसकी एक्स्ट्रा लेयर है, इसकी भी चेन लगी हुई है यहाँ पे, ये भी हटाते हैं, इसके बाद में ये इसकी, तो ये तीनों चीज़ें हम ऊपर डाल देते हैं। और थोड़ा ऊपर आ जाइए भाई साहब, आपको टेंट दिखाते हैं, ये देखिए कितना शानदार टेंट है। तो ये 3 पर्सन का टेंट है, अगर मैं यहाँ सोता हूँ ये देखो तो यहाँ 2 आदमी आराम से सो सकते हैं। सबसे बड़ी बात यहाँ बैठ के खाना भी खा सकते हैं। अंदर इसके बिल्कुल भी ठंड नहीं लग रही है, बाहर इतनी तेज हवा चल रही है, मेरे को लगता है कि इसके अंदर बैठ के कैंपिंग हो सकती है। काफी प्रीमियम है, इसके ऊपर ही आप देख सकते हैं, मतलब मून रूफ कह सकते हो, ऊपर से आप तारे भी देख सकते हो। ये चीज यहाँ भी है, यहाँ भी है, इसके अलावा इसमें ये पॉकेट्स दी गई है, ये रही 4-5 पॉकेट भी दी हुई है, तो काफी सारी चीजें है टेंट के अंदर। और इसका सबसे बढ़िया, इसका गद्दा बहुत सॉफ्ट है, सोने में होटल जैसा ही फील आएगा। पे अभी इसका टेंट का शूट कंप्लीट हो चुका है, ये कुछ हमारा सामान है, ये देखिए सचिन भाई ने चाय बनाई है, काफी ठंडी हो गई है। इसके बाद हम निकलेंगे सीधा जोस्टल में, आज थोड़ा रेस्ट करेंगे और लेट नाइट से मार्केट जाएंगे। यहाँ पे शूट हो गया है, ठंडी बहुत ज्यादा थी, तो मैं गर्म कपड़े पहन के नहीं आया, परेशान हो गया यार बहुत। अभी चलते धीरे धीरे वापस हॉस्टल चलते हैं, गर्म कपड़े पहनते, टेंट पैक करने में बड़ा टाइम तो 5 मिनट ही लगती है, 5 से 7 मिनट, बट यहाँ जान निकल गई यार, चाय पी चलो ठीक है, थोड़ा एंजॉय हो गया, लास्ट दिन था काजा में। डीजल फुल करवा लेते हैं, उसके बाद में कोई टेंशन नहीं है भाई अपने को। तो होपफुली आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा, अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट, टिल देन लव लाइफ, बाय बाय।